वो है इंडियन भाई लोग, या तो किसी भी यार। तो आज की वीडियो में बेसिकली यार फोन में जैसे देख सकते हो फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर दोनों है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मेरे भाई लोग यार कि भाई ओरिजिनल है या नहीं है, या ओवीपी फाइल डाउनलोड है या नहीं है, क्योंकि विश्वास भी करना किसी बात के जमाने में बिल्कुल भी बेकार चीज़ है, और यूट्यूब पर खैर कर तो और ही बेकार चीज़ है। और मैंने देखा यार भाई लोग, ये इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद ये है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से ऐप डाउन कर लो, ओवीपी फाइल यहाँ से डाउन कर लो। ऐसा मैं कुछ नहीं बनाने वाला हूँ इस वीडियो में, एकदम सिंपल में बताऊँगा। हाँ, और ये भी बात आती है कि हम पहले वाले फ्री फायर को अपडेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले का फ्री फायर है वो भी 35 का, तो हम उसे अपडेट कैसे करेंगे, और नया वाला और नहीं है तो वो भी 36 का कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये सवाल आती है। तो आज वीडियो में इस दोनों कन्फ्यूजन को आपको दूर कर देने वाले हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, अपडेट भी बताएंगे, अपडेट भी कैसे करना है, डाउनलोड भी कर रहे हैं कैसे बताएंगे हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई लोग। अब फ्री फायर आप देख सकते हैं कि बड़ा आसानी तरीके से खुल गया है, तो कोई भी कठिनाई नहीं हुई है। तो चलिए वीडियो के टॉपिक आ गए, फाइनली यार अपने हम होम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ से आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है ए पी के प्योर टाइप करके बाद सर्च करके बाद यहाँ पर टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज एपीके प्योर ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, बस 5-6 MB का है। इस पर क्लिक करना है, इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे डायरेक्ट इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर डाउनलोड एनी पे क्लिक कर दिया मैंने, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। 5 MB का एप्लीकेशन हो भी गया जैसे देख सकते हो। और फाइनली यार ये एप्लीकेशन बहुत यूजलेस है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको एपीके प्योर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, हम इसे अलाउ कर देते हैं, यहाँ पर कट कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखते हैं फ्री फायर। ठीक है, फ्री फायर या FF लिख देंगे तो फ्री आ जाएगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर जैसा ही है। ठीक है, हम डायरेक्ट FF लेके सर्च कर दिए। यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं ग्रेना फ्री फायर बोयाडे आ गया है हमारा, और यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हम। इंस्टॉल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद और यहाँ से हमारा फ्री फायर इंस्टॉल होने लगेगा, और यहाँ से देख सकते हैं हमारा 1% भी होने वाला है। ठीक है, और एक यहाँ से आपको बता दें यहाँ पर फ्री फायर आपको बेनिफिट क्या है। ठीक है, बेनिफिट ये भाई लोग कि यहाँ पर जैसे देख सकते हो फ्री फायर हमारा 400 कुछ MB का, और फ्री फायर मैक्स डाउन करेंगे तो 500 कुछ MB का पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप भाई लोग आप मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप अपडेट कैसे कर सकते हैं, और OB35 का जो आपको फ्री फायर है रैमपेज वाला उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो अपडेट का भी इसमें सेक्शन आता है। जहाँ पर देख सकते हैं आप अपडेट पे क्लिक करेंगे ना हम, तो जैसे अपडेट पे जो फ्री फायर हमारा पहले वाला आएगा वो भी आ जाएगा, और यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं हमारे पुराने वाले फ्री फायर को। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं व्हाट्सअप मीशो ऐसा एप्लीकेशन आ रहा है अपडेट करने को, लेकिन अब हमारा फ्री फायर होगा यहाँ पर पहले वाला, तो यहाँ पर अपडेट उस वो भी ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई लोग ये चीज़ था मैं बोल रहा था आपको भाई लोग कि ये प्ले स्टोर से सिमिलर क्यों है, आपको ये भी बताऊँगा मैं आगे चल के क्यों हमें इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए। आपको कुछ ही क्षणों में इसका जवाब मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे BGMI, तो हमारा जो पहले का जो BGMI है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, और पहले का जो PUBG है वो भी दिख जाएगा। यहाँ से स्टोर करके हम VPN ला के PUBG और BGMI पहले का PUBG Lite सब खेल सकते हैं इस एप्लीकेशन में, और यहाँ से हो सके तो आपको PUBG का जो पुराना ID है वो भी खेल सकते हैं। यहाँ से आप PUBG प्लेयर वाले को भी यहाँ पर लाभ हो जाएगा, और PUBG खेलते हैं अभी खेलना चाहते हैं तो यहाँ से इंस्टॉल करके खेल सकते हैं VPN लगा के। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन अनलेबल है, इसीलिए मैं बोल रहा था एप्लीकेशन आपको यूज़ करना चाहिए। और फाइनली मैं देख सकते हैं आप मेरा फ्री फायर जो है डाउनलोड होने ही वाला है, और हो भी गया। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई परमिशन मांगेगा उसे हम परमिशन दे देते हैं। देने के बाद फिर से हम एपीके प्योर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो हमारा यहाँ से सेट होने लगेगा, और सेट होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट हम अपना फ्री फायर ओपन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा OB5 जो है हमारा सेट हो रहा है, तो ये हो रहा है, हाइड्रोजेसिंग होगा उसे हमारा फ्री फायर ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 90 से हो जाएगा अब हमारा 100, और यहाँ पर APK प्योर से कुछ हो रहा है इंस्टॉलिंग। अब यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और फाइनली हमारा फ्री फायर जो है इंस्टॉल हो गया है। ठीक है,
और यहाँ से डायरेक्ट हम ओपन करके अपना फ्री फायर रन कर सकते हैं। 1 GB 2 GB जो भी एप्लीकेशन है सारे फ़ोन में आप रन कर सकते हैं।